वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर वन में जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, बात बराबर है, भारत सरकार और राजनीति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसी में पूछा गया है, 2015-18 के सेशन में पूछा गया पेपर है। अब चलिए देख लेते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, डेफिनेटली क्वेश्चन टच करेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, बीए सेमेस्टर वन। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपके, सबसे पहले मैं बता दूँ 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग आए, लेकिन यहाँ पे 20 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर बाकी सभी आपके 20 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दावलियों का क्रम इसमें से क्या है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के दोस्तों, अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो लिखा है, हम भारत का लोग भारत को एक संपन्न संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रजातंत्र को हम लोग लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाएंगे, आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि यार थोड़ा सा बुखार है, फीवर आ गया है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान जो निर्माण बनाने वाली सभा थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन प्रथम निर्वाचित, जिसको अस्थाई अध्यक्ष भी हम लोग बोल सकते हैं, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संविधान में भारत का वर्णन किया गया है, किस रूप में किया गया है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, दोस्तों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है, राज्यों का संघ, यहाँ पर राज्यों का संगठन टिक मत मार दीजिएगा, राज्यों का संघ है भारत। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें पूछा गया है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा था। तो दोस्तों KM मुंशी ने ऐसा कहा था, KM मुंशी। नेक्स्ट देख लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत को संसदीय प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत को इंडिया इज नो एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जो है संसद जो है डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। संसद में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, ठीक है, लोकसभा सांसद भी और राज्यसभा सांसद भी, लेकिन लोकसभा सांसद को डायरेक्टली चुना जाता है, राज्यसभा सांसद को डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, ठीक है, तो चुनाव करने की दृष्टि से आपका लोकसभा सांसद ही काम करेगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का किस अधिकार में शामिल है, तो यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार में शामिल है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन क्या है, एफ के बाद जी नंबर क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, ठीक है, तो जी नंबर यहाँ पे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी स्थापना करना चाहते हैं, तो राज्य में जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एच नंबर क्वेश्चन, तो एच नंबर में पूछा गया है कि संविधान निर्माण करने वाली जो सभा थी, मैं उद्देशिका प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया। तो जब संविधान बन रहा था तो उद्देशिका, यानी कि हम भारत के लोग जो से शुरू होता है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं और राज्य के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है,
यानी कि राज्यों का संघ, तो ये राज्य के अध्यक्ष होते हैं। आगे देख लेते हैं, हमारा जे नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा ना, यही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार में किस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसको जो है बोला है आत्मा और हृदय संविधान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री नीति, अरे भाई साहब मच्छर काट के परेशान कर देता है, संविधान निर्माता नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा लिखें। ठीक है, तो संविधान निर्माता नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ये लिया गया था, नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, मच्छर बिना मार खाए नहीं मानता। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, हो सकता है पूछ ले, वर्तमान के राष्ट्रपति को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री को भी पूछा जा सकता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी पूछा जा सकता है, जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि अभी जगदीप धनखड़ हैं वो होंगे राज्यसभा के उपसभापति। अगला है, लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा हैं? तो दोस्तों, लोकसभा में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब समझें, संयुक्त अधिवेशन जब कभी किसी कारणवश लोकसभा और राज्यसभा को एक जगह बैठा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे मास्टर की तरह कौन सलाह देगा? मास्टर की तरह किसी को बैठना होगा जी, मेन चेयर में, तो मेन चेयर में लोकसभा का अध्यक्ष बैठेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में 250 को सदस्य होता है। ठीक है, एमपी, इसमें से 12 को जो है राष्ट्रपति चुनता है। किनको चुनता है? तो ये वो लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में जो 250 को सदस्य है, ठीक है, इसमें से एक तिहाई, 1/3, 1/3 भाग प्रत्येक 2 साल में चुना जाता है। ठीक है, इसी कारण राज्यसभा को भरा पूरा परिवार भी कहा जाता है या भरा पूरा सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति में 22 को सदस्य होता है। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे प्रस्तावना, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है। तो प्रस्तावना के समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब देख लेते हैं, तो सॉरी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, मैंने गलती बोल दिया, 74वां बोल रहा हूँ यार, 42वां संविधान संशोधन 1976, आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, तो अगला है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों, जब कभी कोई विधेयक फंस जाता है कि यह मानी बिल है या नहीं है, तो ऐसे में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अंतिम निर्णय उन्हीं का मान्य होगा। ठीक है, जो बोलेंगे वही होगा हुजूर, बोलिए ना, आप कहते हैं ना कि हुजूर वही होता है जो चुना जाता है, और लोकसभा के आदमी चुने जाते हैं, राज्यसभा के आदमी डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अगला है, पंचायती राज इस विचारधारा पर आधारित है? तो दोस्तों, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के
सिद्धांत पे आधारित है। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण मतलब बटा हुआ, विकेंद्रीकरण मतलब बटा हुआ, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया एगो, एगो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एगो आपका नीचे लेवल का हो गया जो कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से बांटा जाता है शक्तियों का और इसे प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो 20 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं या फिर 20-20 मार्क्स के, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आता है दोनों प्रकार के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत का वर्णन करना है। बी नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व का परीक्षण कीजिए, ठीक है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो भारतीय मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दो को याद रख लीजिएगा कम से कम, और एगो नित्य निर्देशक तत्व, डेफिनेटली तीन में से कोई एक पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ बताइए। आगे देख लेते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान या केवल संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए तथा उसके योगदान की विवेचना कीजिए। कितना टाइम पीरियड लगा, 2 वर्ष, 11 महीना, 18 दिन, कौन कौन सदस्य चुने गए, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष, तो इस तरह से बताना है, फॉरेन कमेटी। तो यह हो गया संविधान सभा। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। देखिए दोस्तों, जब भी बोला जाए आलोचना, मतलब कि मौलिक अधिकार में कौन कौन सी कमियां हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा उनकी शक्तियों का वर्णन करें, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ठीक है, और उनकी शक्तियों का वर्णन करना है कि भारत की स्थिति, राष्ट्रपति को कौन कौन से शक्तियाँ प्राप्त हैं, विशेष रूप से 352, 356 और 60 के बारे में बताना है। तीनों शक्तियों के जो जल, वायु और थल सेना उसके कमांडर होते हैं, ठीक है, अदर अदर चीज़ें, और प्रमुख रूप से जो लोगों को शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में नियुक्तियाँ करते हैं। अगला है, लोकसभा की रचना, कार्यों और शक्तियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड पावर ऑफ लोकसभा। और 7वां क्वेश्चन के बाद हमारा 8वां क्वेश्चन आता है कि आपके स्टेट से होगा, अगर आप लोग झारखंड के से आउट ऑफ स्टेट होंगे तो अपने स्टेट का 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री के शक्तियों कार्यों का वर्णन करें, या फिर हो सकता है आप आपके राज्य से पूछ लें, ठीक है, जो भी राज्य से हैं आप अपने राज्य का 1-2 देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री और 1 राज्यपाल, राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री का ही देखिएगा, ठीक है, या फिर झारखंड के राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करें, ऐसा ही हो सकता है आपके भी राज्य का कि फलना राज्य का राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करें, चाहे उसके मुख्यमंत्रियों की शक्तियों का वर्णन करें, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी थे मेरे पास क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आप अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम में बैठे यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, सब सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है और टाइम टू टाइम अपलोड कर ही देंगे। बाय बाय, इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।